हम लोग जा रहे हैं मुरैना, और मुरैना में जो है बीएसपी की एक बड़ी रैली हो रही है जिसमें मायावती जी आ रही हैं, और मैं पहली बार मायावती जी को डायरेक्ट देखूंगा। और ज़्यादातर टाइम मैं इतनी दूर जाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ जो हैं शंभू भैया हैं, और इसलिए जा रहा हूँ कि शायद इनसे मुझे कुछ सीखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं और मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और सन्नी भी है साथ में हमारे, और वहाँ जाकर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। 11:10 हो रहे हैं और अभी भी थोड़ा टाइम और लगेगा हमें पहुँचने में, और शंभू जी से काफ़ी बात करी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं थोड़े से रूड हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतने रूड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। और रैली में पहुँच कर हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि भाई किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए, उनसे बात करेंगे इसके बारे में भी, और आगे देखते हैं क्या चल रहा है। स्टेज है जहाँ मायावती यहाँ से अंदर जाएंगी, और यहाँ शंभू भाई खड़े हुए हैं, और हम लोग शायद हो सकता है कुछ पास से मिल पाए उनसे। ये देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो है, यहाँ मीडिया भी नहीं आ सकती है, लेकिन यूट्यूबर्स की ताकत देखिए, हम यहाँ खड़े हुए हैं और हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ से पीछे इस जगह से जो देख रहे हो ना आप, यहाँ से जो है मायावती जी की गाड़ी अंदर आएगी और यहाँ लगेगी। ये एक जो है एक कमरा है, और इस कमरे के अंदर शायद सब लोग मंत्री लोग बैठे हुए हैं, और ये ऊपर स्टेज पे जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और वहाँ सामने देखिए शंभू जी बैठे हुए हैं, शंभू जी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, मायावती जी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी, ये हमारी पार्टी ये चुनाव यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट की
लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी दमदारी के साथ लड़ रही है। हालांकि इस संबंध में जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए बीएसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ना चाहते थे, ताकि बीजेपी को फिर से यहाँ सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन वही दूसरी तरफ ये पार्टी इसकी आड़ में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत हमें गठबंधन में बहुत कम सीटें देकर हमारी पार्टी को ही एक प्रकार से यहाँ कमजोर या खत्म कर देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तब फिर हमने ये चुनाव अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में यहाँ अकेले ही लड़ने का फैसला लिया। और इसकी खास वजह यहाँ उत्तर प्रदेश से लगे आपके मध्य प्रदेश स्टेट में वह अन्य और हिंदी भाषी राज्यों में भी बीएसपी की आए दिन हो रही मजबूत पकड़ का होना है, जिसके कारण ये पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे अपने खराब होने वाले भविष्य को लेकर या बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह ही बीएसपी की सर्वोच्च नेतृत्व पर जानबूझकर किसम किसम के गलत करते ही आरोप लगा रही है, जिसका जवाब अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिता कर देना होगा। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ आपके प्रदेश की जनता को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल बीएसपी को ही देना यहाँ आपके मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियां प्रभावहीन बनाने में वैसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में पहले लंबे अरसे तक जहां राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलित व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी।
जिसे पार्टी के सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था और फिर इसे लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। अब इन्होंने खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के हित में बने कानूनों को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे इन पर जुल्म जाति करने वाले लोगों का अब मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की संसद कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के खासकर नोटबंदी एवं जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ देश की अधिकांश जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब एवं आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। कभी सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई वे अपनी अन्य और छोटी समस्याओं से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के अपने खुद के प्रदेश में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आती हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्य की सरकार में ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सब समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी चारों एक सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सब समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सब समाज में से खासकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से बचा नहीं पा रहे हैं। यदि आप लोग भी अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित पे ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है
तब तक फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह जहाँ के प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर सज्जन हिताय व सज्जन सुखाय की नीतियों के आधार पर ही सरकार चलाएंगे। अब आप लोगों को जहाँ अपनी खुद की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के शाम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही बीएसपी के खासकर दलित बेस वोट में सेंध लगाने के लिए भी यहाँ विरोधी पार्टियां पर्दे के पीछे से इनके द्वारा बनवाए गए दलित संगठनों के माध्यम से भी विशेषकर हमारी पार्टी की मजबूत सीटों पर दलित उम्मीदवारों को खड़ा करके हमें चुनाव में नुकसान पहुंचाने का भी पूरा प्रयास कर सकती है, जिसे ध्यान में रखकर भी आप लोगों को ऐसे सभी दलित विरोधी स्वार्थी एवं टिकाऊ दलित संगठनों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपनी जात बरादरी रिश्ते नातों आदि के चक्कर में भी आकर अपना एक भी वोट उन्हें देकर खराब नहीं करना है। विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। इसलिए वे अपने प्रदेश के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसकी कथनी व करनी में कोई भी अंतर आदि नहीं होता है। और जो ये हमारी पार्टी अपनी सरकार बनने पर जहाँ उत्तर प्रदेश की तरह ही अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी, और तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं माननीय श्री कांचीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ आप लोगों के सामने मंच पर मौजूद हैं और आप लोगों से वोट देने की आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को जो आपके सामने या मंच पर खड़े हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर वोट की अपील भी कर रहे हैं और आप लोगों से ये दरखास्त कर रहे हैं कि आप लोग हर प्रकार से तन मन धन से इनको कामयाब बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी, और आप लोगों की आबादी हाथी की तरह विशाल। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हाथी है, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन सबको भारी मतों के स्तर से जरूर कामयाब बनाना है, इनको मध्य प्रदेश की स्टेट के सभी में जरूर जिताकर भेजना है, तथा यहाँ आप लोगों को खुद अपनी पार्टी की सरकार बनाने का भी हर संभव पूरा प्रयास करना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए अपनी बात
यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। मैंने इतनी पास से पहली बार मायावती जी को देखा और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और काफ़ी हाई सिक्योरिटी रहती है उनकी, अच्छे अच्छे लोग उनके पास से नहीं जा पाते हैं। अरे साधु जूते का भाई, देखो जरा राजू भाई। अरे भैया चलो, वो मिली भी नहीं, कुछ फैंटास्टिक में। सभी पीछे हो जाओ, चलो भाई यार, नेशनल दस्तक साथियों। अरे राजू पॉपुलर, एक ही तो हमारा चैनल है। अरे हम नेता नहीं है भाई, बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। रावत जी, ए राव जी, हाँ सर। अरे अतर सिंह जी, अरे इधर आइए, आइए, इनका फोटो खींचिए। आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आप बहुत प्रसिद्ध हैं भाई, हैं पूरे समाज को दिखाते हैं पूरी दुनिया को। हाँ इनने चंद्रशेखर वाली वीडियो देखी थी हमारी, yes, और ये हमें पहचान गए, तो बोल रहे हैं एक फोटो ले लो, तो एक फोटो ले लिया इनका हमने, ये वीडियो हम डाल दें। यहाँ पीछे जो है वो शंभु जी जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, और मायावती जी के जाने के बाद जो है वो शंभु जी को ही घेर लिया गया, और इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो, और शायद मुरैना अब तो पहली बार ही आए होंगे इस वजह से। यही जो स्टेज है यहाँ पर मायावती जी ने अभी अपना आधे घंटे का भाषण दिया था, और यहाँ पर बैठी हुई थी मायावती जी, यहाँ पर बैठी हुई थी मायावती जी, और यहाँ पर देख लीजिए कितना पूरा यहाँ से जो व्यू था, पीछे आपको पूरा स्टेज दिख रहा होगा, और यहाँ सारे वीवीएफ वाले हैं। अरे यार सब लोग चढ़ रहा है इधर, स्वागत लाइव। सो अब चलने का टाइम आ गया है, अब घर चला जाए, काफी टाइम हो गया है, लगभग जो है 2:20 हो रहे हैं, और अभी तक मैंने सोचा था घर चला जाऊंगा। जो शंभु जी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, और काफ़ी कुछ मैंने देखा कि किस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने वाला है, क्योंकि मैं टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन मैं जो है राजनीतिक और पॉलिटिकल ज्ञान जो है उतना नहीं रखता जितना वो रखते हैं, और हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। और ये बात भी समझ आती है कि क्यों नेशनल दस्तक सबसे आगे चल रहा है और क्या कारण है, जिस तरह के उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं, बहुत यूनिक सवाल पूछते हैं, लोगों को सुनने में मज़ा आता है उनका जवाब, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलते हैं, माहौल कैसा लगा आपको, आपने तो पूरा विश्लेषण किया होगा, सारी रैलीज में आप जा चुके हो, कैसा लग रहा है? लोगों में उत्साह है, और राजनीति बहुत बदल रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुत वोट को लेकर सिंसियर हैं, उनको अपनी राजनीति समझ आ रही है, उनको वोट का महत्व समझ आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है उनको सत्ता का जो जोड़ घटा है वो समझ में आने लगा है, और ये बदलाव अगर हो गया तो इस देश में 85% आबादी है उनकी, सत्ता उनके पास आ सकती है अगर वो राजनीति समझ लें, और जिस तरह से TV अखबार का प्रभाव है उसको जिस तरह से लोग नकार रहे हैं, तो जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, आंदोलन बढ़ेगा, वैसे वैसे बहुजन समाज के लोग
वोट की अहमियत भी समझेंगे और जब वो वोट की अहमियत समझेंगे तो वो सत्ता में आएंगे। अभी आए हैं हम बामोर के मनोज के घर पर, सन्नी का कजन ब्रदर है, और हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए और उसके बाद ग्वालियर पहुँचेंगे। ऐसे ही चल रहा है बहुजन आंदोलन, है कहीं खाना कहीं रखना। तो घर पहुँच के फिर वीडियो भी अपलोड करना है मुझे, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो अब ग्वालियर चलने का टाइम हो गया है और ग्वालियर जा रहे हैं हम लोग। कल मुरैना की रैली थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, और आज जो है वो शिपरी में भी रैली थी और काफ़ी बड़ी थी, और मैंने नेशनल स्तर पे लाइव देखा था। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन जो शंभू भाई हैं वो गए थे, तो उनसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ किस तरह की रैली थी और क्या आपको लग रहा है कि मायावती जी का जो झलझला है वो कुछ बड़ा है या कब घटा है, कैसा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे रैली के हिसाब से बीएसपी की रैली तो बड़ी होती है, टेलीविज़न चैनल अखबार नहीं दिखाते हैं। अगर वो रैली दिखाएं, टर्म होता है टेलीविज़न में या पॉलिटिक्स में, लोग कहते हैं हवा बनना, हवा बनाना, तो हवा तो बन जाएगी अगर मीडिया अगर दिखाने लगे तो। लेकिन अगर मीडिया नहीं दिखाती है तो आज मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई। मैंने लोगों से बात की और पूछा कि भैया आपको कैसे, जैसे मैं पत्रकार हूँ, मुझे पता है, मुझे एक दिन पहले खबर आती है बीएसपी दफ्तर से कि आपकी रैली कब और कहाँ होने वाली है। हो सकता है पार्टी कैडर पे लोगों को पता चलता होगा, जैसे कल मैं आपके सामने जयपुर में पता कर रहा था कि भैया आपकी कब कब कहाँ कहाँ रैली है। कई बार फोन करने के बाद दो रैली का पता चला है, दो शायद, हाँ 25-26 चार रैली का। तो मैंने सोचा मैं लोगों से पूछता हूँ कि लोग कैसे, उनको कैसे पता चलता है। अखबार अभी मैं देख रहा हूँ, ये मैं अखबार लेके भी आया हूँ, आई एम सॉरी, पीछे ये देखिए, ये मान लीजिए मैं अभी ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर का ये अखबार है, तो देखिए इसमें शिवराज की रैली है तो लिस्ट है, चलिए इसे पता चल जाएगा आसपास के लोग हैं, लेकिन मायावती की रैली की, बीएसपी की रैली की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। फिर लोग कैसे आते हैं, मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये माउथ एडवर्टीजमेंट है, माउथ टू माउथ की, माउथ से माउथ है, लोग मतलब सोशल मीडिया उनको पता है, तो ये एक बड़ी बात है कि लोग कनेक्ट हैं। और मैं इसलिए ज़्यादा होपफुल हूँ कि इस बार वो खेल करेंगे। जैसे यूपी में ईवीएम एक इशू है, बड़ा इशू है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आ रहे हैं तो नो डाउट ईवीएम तो बिल्कुल अब ट्रस्टेबल नहीं है और एक पैसे की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। उसके बाद भी बीजेपी को हमेशा ट्रायंगुलर इलेक्शन, जब तीन त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसका फायदा होता है, क्योंकि जो सवर्ण है वो उसको वोट करते हैं 100%। मुस्लिम्स वोट अगर दो पार्ट में गया तो प्रॉब्लम होती है, उसको फायदा होता है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोट कर देते हैं, बीएसपी को भी वोट कर देते हैं। उसके बाद ओबीसी पर, ओबीसी का एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ जाता है। इस बार जो बीएसपी ने छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में जिस तरह से टिकट बांटे हैं, अब आप शिवपुरी में 5 कंस्टिट्यूएंसी हैं, उसमें से 2 ओबीसी को टिकट मिला है, 1 मुस्लिम को मिला है, 1 जनरल को मिला है और 1 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है। तो इन्होंने कोशिश तो की है, अगर उस हिसाब से अगर ओबीसी के लोग वोट करते हैं अपने कैंडिडेट को भी, तो फिर बीएसपी मारक होगी मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है कि चाबी आ सकती है बीएसपी के पास अगर उसने सीट में कन्वर्ट कर दिया इस क्राउड को। आप समझ लीजिए कि अगर 30 सीट भी आती है तो सरकार तभी बनेगी जब बीएसपी से अलायंस होगा। लेकिन एक चीज़ और पूछना था, ज़्यादातर लोग ये अफवाह भी उड़ाते हैं कि बीएसपी जो टिकट बेचती है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला आपको या किसी ने बोला आपसे? नहीं, बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं, ये तो मीडिया परसेप्शन है। और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, आप सोचिए कि बीएसपी एक पार्टी है, लालू यादव 3 बार सत्ता में चीफ मिनिस्टर हैं फुल फ्लेज, मुलायम सिंह यादव फुल फ्लेज रहे अपनी पार्टी, करुणानिधि लगातार बैक टू बैक सीएम रहे, मैं बहुजनों की बात कर रहा हूँ, नेशनल पार्टी नहीं बना पाए। माननीय कांशीराम के ने उसको बीएसपी को नेशनल पार्टी में लगभग तब्दील कर दिया था और मायावती ने उसको कायम रखा। आप सोचिए कि ये पार्टी कैसे चलती है, कॉर्पोरेट लोग इसको चंदा देते नहीं हैं जो बीजेपी कांग्रेस को देते हैं, चाहे तमाम पार्टियों को देते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेज है। आप अम्बेडकरिज्म, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को बात करते हैं, लेफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेफ्ट के लोग जो MLA MP बनते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर उनको भी चंदा देता है। लेफ्ट बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे सोशल कॉज करते रहते हैं नेत्रहीन बच्चों के लिए, तो वो दरअसल वो टैक्स बचाने के लिए वो सब करते हैं। टैक्स में रिबेट मिलता है, आप सोशल कॉज के नाम पे 500 करोड़ खर्चा कर, अगर 800 करोड़ रुपया बचाना है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 500 रुपया आप खर्च कर दीजिए तो 300 करोड़ फिर भी बच रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग, इस तरह की बचत वाले लोग भी बीएसपी को चंदा नहीं देते हैं। तो सवाल उठता है कि बीएसपी चलता कैसे है? तो
बीएसपी मुझे जो लगा है, मैं कोई एकदम पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैं जो जिन लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि बीएसपी लोग के चंदा से चलता है। अब मान लीजिए कोई जैसे लेफ्ट के जो एमपी एमएलए बनते हैं उनको अपनी सारी सैलरी देनी पड़ती है पार्टी में, सारी सैलरी, मैं जानता हूँ ये खर्चा काटने के बाद आप सारा पैसा पार्टी फंड में जमा कराइए। बीएसपी में भी जो जो थोड़ा सा फाइनेंशियली कैंडिडेट अच्छे होते हैं उनको पार्टी फंड में डोनेट करना पड़ता है। अब उसी को जो लोग हैं चूंकि समझते नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, अखबार नहीं, तो हमारे लोग के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपके पार्टी के लोग टिकट बेचते हैं, अब आखिर वो पार्टी चलेगी कैसे, बिजनेसमैन चंदा हाँ, तो वो अच्छा मैं सबसे ज़्यादा गरीब कैंडिडेट बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। वो तो अपने जाके देखा भी है, हाँ, एक दो जन लोगों से मिले हाँ, तो जब गरीब कैंडिडेट जिस पार्टी का चंदा लड़ते हैं सबसे ज्यादा गरीब, तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो कहाँ से बेचते, इसका मतलब वो गरीब क्यों है, तो ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्टरी है, बहुत बड़ा झूठ है। जब सबसे ज्यादा अमीर लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पैसा देते होंगे, और जिस पार्टी में सबसे ज्यादा गरीब लोग कैंडिडेट है इसका मतलब वो जीरो बैलेंस पर वो टिकट दे रहे हैं। हाँ, जो कुछ परसेंट लोग अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, सवर्ण समाज के लोग स्ट्रांग हैं, उनको टिकट चाहिए बीएसपी से, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज है, तो वो चंदा पार्टी फंड में वो चंदा देते होंगे। तो इसको इन लोगों ने टिकट बेचने से के शब्द में कन्वर्ट कर, जैसे दो शब्द है ब्रोकर और दलाल, दलाल बोलिए तो हर्ट करता है, ब्रोकर बोलिए तो रिस्पेक्टेबल है। तो मुझे लगता है कि ये सारा परसेप्शन है और ये बहुजनों को समझना चाहिए। तो ये आपने चीजें समझी होंगी किस तरह से क्या होता है, और नेशनल दस्तक के अगर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है, जो शंभू जी के फ़ैन हैं उनके लिए मैं कुछ स्पेशल बुक्स भेजने वाला हूं जिसमें शंभू जी ऑटोग्राफ देंगे, और जिनको चाहिए वो कमेंट में मुझे बोले कि उनको वो बुक चाहिए जो स्पेशल बुक्स होंगी कुछ। तो ये जो सीरीज थी मैंने जो स्टार्ट करी थी लगातार 3-4 दिन लगातार और लास्ट में 2 वीक कंटिन्यू लिखा था, आज ये ख़त्म हो रहा है और शंभू जी आज वापस से दिल्ली जा रहे हैं, शायद आगरा जा रहे हैं, और भी इनकी जो रैलीज़ है मायावती जी की वो भी कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो के लिए, और इस तरह से अगर आप लाइक देते रहेंगे तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू। 1000 लाइक नहीं।